पहले हमें देखते हैं हमें इसमें क्या क्या लेना है। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ इधर खड़ा मसाला मैं कुछ भी अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं पीसूंगी। ये है 1 big onion जिसको कि मैंने चॉप कर दिया है, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे onion हैं, 2.5 onion जिसे हम मिर्ची के साथ ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स अभी आपको ये 2.5 onion को एक मिर्ची डाल करके ग्राइंड कर देना है। फ्रेंड्स अभी इसमें मैंने 5 to 6 spoon ऑयल के डाल दिए हैं। अभी जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तब आपको एक रेड मिर्ची डाल देना। अगर आपके पास रेड मिर्ची नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको ये फुट जाने के बाद आपको ओनियन भी डाल देना है। ये जो मैंने एक कट करके ओनियन रखा था उस ओनियन जस्ट इसे आपको 5 मिनट तक अच्छे से घुमाना है, हाई आँच में आपको घुमाना है। और इसे घुमाते घुमाते थोड़ी देर बाद हम लोग को जो ओनियन को हमने ग्राइंड किया था उसे डालना है। फ्रेंड्स जब प्याज आपको इस कलर में आ जाए तो अभी आपको ये जो प्यूरी आपने रखा है उस प्यूरी को पूरे अच्छे तरीके से डालना है। और फिर इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से घुमाइए जब तक ये पक ना जाए। अभी आपको सिम आँच कर देना है। अभी ये सारे चीज़ को हमको ग्राइंड करना है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसी से आपको एक्जैक्टली उसकी ग्रेवी बनेगी पनीर की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 टमाटर ले लिया है। ये दही है 2 स्पून। ये है पूरा 1 कप दूध। खरा मसाला में क्या क्या लिया है, 2 इलायची, 2 लौंग और ये दालचीनी। अब यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के 8 से 9 पीसेस लिए और एक है हरी मिर्च। अब इन सबको हमको पीस देना है। ये रहा टमाटर डाल दीजिए, मिर्ची, लहसुन, अदरक, 2 इलायची, 2 लौंग, दालचीनी और ये 2 स्पून दही के हैं। अगर आपका दही जैसे कि मैं बताई थी फ्रेंड्स, अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप कम डालिए। और ये हमने थोड़ा सा हाफ से भी थोड़ा कम यहाँ पे दूध हम यूज़ करेंगे। अब इसे ग्राइंड कर दीजिए। ये देखते हैं हमें मसाला में क्या क्या चाहिए। ये हो गया लाल मिर्च, ये हो गया हल्दी और ये मैंने आची का गर्म मसाला यूज़ किया। अगर आपके पास पनीर मसाला है कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे भी आपका ये ऐसा कलर दे दे तो अब आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है अपने अनुमान से। और यहाँ पे मैं 1/2 स्पून मिर्च डाल दिया है, लाल मिर्च। और इसे अच्छे से आपको घुमा लेना है। और इसमें आपको कोई भी गरम मसाला अपने अनुसार आप डालिए। मैंने यहाँ पे आची का यूज किया गरम मसाला भी। अब आपने फ्रेंड जब आपको ऐसा कलर दिख लाए तो आप ये जो प्यूरी हमने रेडी किया है धीरे धीरे यूं डाल दीजिए। और जस्ट इसे घुमाते रहिए, हाई में अभी कर देना है आपको फ्लेम, ऐसे घुमाते रहिए ताकि दूध फटे। फ्रेंड्स अभी इसमें आपको ना स्वाद अनुसार नमक भी ले लेना है, उसको अच्छे से घुमा देना है। देखिए अभी आपका ये तेल छोड़ने लग गया है। अभी आपको इसमें जो हमने पनीर रखा है, पनीर को थोड़े से गर्म पानी में डाल करके इसे उबाला था जस्ट 2 मिनट तक। और इसमें भी हम नमक डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। मैं अभी इस पनीर को भी आपको इसमें डाल दूँगा। ये आपको छोटे छोटे क्यूब पीस इसमें कर देना है, उसको अच्छे से घुमा लें। फ्रेंड्स अभी जो 5 मिनट तक आप इसे ओवन पका लेने के बाद सिम आंच कर दे और दूध को आपको साइड साइड में जो हाफ दूध हमने रखा था इसको आपको ऐसे डाल देना है। फिर अब आपको हाई आंच करके इसे अच्छे से घुमाना है ताकि फटे ना। आपको अगर इसे थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल में मीठापन करना है तो आप इसमें सॉस या फिर थोड़ा चीनी डाल सकते हैं। तभी आपको 5 से 10 मिनट तक आपको इसे सिम आंच में ढक के रख देना है। फ्रेंड्स देखिए अभी आपका पनीर जब आपका तेल यूँ छोड़ दे और कुछ देर बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पनीर को बाद के वक्त के लिए रखा था कद्दूकस करके। आप देखिए अभी आपको इसको ऊपर से डाल देना है कुछ इस तरह। और आपको परोस लेना है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी हो और अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिए और खूब मस्ती कीजिए और खुशियाँ बांटिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ आप एंजॉय कीजिए।
आई अंडरस्टैंड फ्रेंड, मेरी वीडियो क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू इम्प्रूव विथ टाइम. सो प्लीज़, लेकिन उसके लिए आप लोगों का मुझे ढेर सारा सपोर्ट चाहिए. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ लेट मी नो कि और क्या इम्प्रूव होना चाहिए और क्या करना चाहिए. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, आई डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. तो अब तक के लिए आप सबको बाय बाय कहना चाहूँगी. आप सबके दिन शुभ हैं और आप सब कोरोना फ्री रहें. बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल.